अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम फाइन। आज मैं आपको फिटिंग वाला ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी, तो चलें शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले एक बात कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो ट्राउज़र है मैं बना रही हूँ, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बन सकता है, ठीक है? आपने उसके लिए ये करना है कि आपने, अगर आपकी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ले लेनी है। अगर आपकी लंबाई जो है वो 42 है या 40 है, जितनी भी है, आपने उसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है? ये मैंने इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और मैंने इसके मेजरमेंट कर लिया, ठीक है? अगर आप इसी तरह अपने ट्राउज़र को नाप लेकर, ठीक है, आप अपने ट्राउज़र को भी निशान लगाकर इस तरह कर सकती हैं, ठीक है? अब आपने पहली लाइन जो है वो छोड़ देनी है और जो दूसरी लाइन है उसको आपने बढ़ा कर रखना है। सबसे पहले आपने ये पहली लाइन जो है ये छोड़ के दूसरी लाइन जो है वो मैंने 1.7 इंच जो है वो बढ़ा कर रखनी है, ठीक है? आप ऊपर से भी, ये मैं आसन के लिए वैसे ही निशान लगा रही हूँ कि इधर तक आपका आसन होगा, ठीक है? क्योंकि जब इस लाइन को इसके साथ मिलाना है तो इधर से निशानदेही हो जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। ये ट्राउज़र जो है मैं अपनी एक बुक से आपको सिखा रही हूँ और इसको मैं बनाऊँगी, ठीक है? आपने आप अपनी जो ट्राउज़र है उसको आप निशान लगा सकती हैं, इस तरह से 5 तहें लगा सकती हैं, ठीक है? फिर आपने इस तरह इधर वाली तह जो है वो आपने नाप लेनी है, नीचे वाली नाप लेनी है, और फिर उससे नीचे वाली जितनी आपकी आई वो आपने नाप लेनी है कि हमने इतनी रखनी है, ठीक है? तो इससे आप आसानी से जो है वो कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी। फर्स्ट ये है, आपने इसको इसके साथ मिला देना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा राउंड होके जाएगा। इसको मैं तिरछा मिला लेती हूँ। ये ट्राउज़र जो है बहुत आसान है, अगर आपको एक बार समझ आ गई। सिर्फ इसका जो समझने की बात है वो ये है कि इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है? ये देखें, आपने इधर से इसको गुलाई दे लेनी है, गुलाई में शेप देनी है, और फिर बाहर वाली साइड पर आपने जितना भी कपड़ा जो है वो रखना हुआ, यानी कि मार्जिन रखना हुआ, तो वो आपने रख लेना है। इसकी मैं आपको कपड़े पर भी कटिंग करके दिखाती हूँ। फिटिंग वाले ट्राउज़र का आपने मार्जिन जो है, फिर जब आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने मार्जिन सेट कर लेना है। आप 0.7 रख सकती हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 इंच रख लीजिएगा। ज़्यादा अगर बढ़ा के ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप वो भी रख सकती हैं। नेफे के लिए आप 1.7 रख सकती हैं, ठीक है? 1.7 इंच। इसके अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है, ठीक है? ये पहला तरीका आपको आसानी से समझ आ चुका होगा, यहाँ से नीचे तक जाएगा, ठीक है? इसके लिए ये वाला तरीका भी
जो है ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। आपने अगर इधर तक लंबाई ले ली है, ठीक है, तो आप इधर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेके जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल आप स्ट्रेट भी कर सकती हैं और थोड़ा सा आप तिरछा भी कर सकती हैं, ठीक है। आपने जितना अगर फिटिंग में पांचा रखना है तो आप इसे फिटिंग की तरफ ले जा सकती हैं। ये फिटिंग वाला ट्राउज़र भी बन सकता है और आप इसे थोड़ा खुला ट्राउज़र भी अपने हिसाब से बना सकती हैं। अब मैं आपको इसकी कपड़े पर कटिंग करके बताऊंगी, जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्राउज़र कैसा लगा। ये देखें ट्राउज़र, ट्राउज़र के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, ठीक है। ये करंडी का है और इसका आसानी से बन जाएगा, लेकिन जो बात दिखाने की है वो ये है कि इसके एक साइड पर जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है बॉटम पे, और दूसरे बॉटम के तरफ जो डिज़ाइन है वो नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपका तो हुआ, तो आपका अगर ऐसे करके हुआ दोनों साइड पर डिज़ाइन, तो आप उसे आसानी से फिटिंग वाला ट्राउज़र बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके अंदर मुझे कपड़ा डालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लेती हूँ, इसको मैं सेट कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपका जितना ट्राउज़र होगा आपने उसके मुताबिक लेंथ ले लेनी है, ठीक है। ये मैंने इसकी लेंथ ले ली और फिर मैंने इसकी चौड़ाई जितनी बनती थी वो ले ली। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ ले ली, ठीक है, और अब मैंने इसके 5 हिस्से करने हैं, 5 यानी कि 5 हिस्सों में तकसीम करना है, तो मेरा 8.5 आता है। ठीक है, एक बात, जो अगर आपका जो आसन है ना वो 17 या जितना आपने रखना है 16 14, ठीक है, अगर उस हिसाब से ना बन रहा हो ना, तो फिर आपने आसन के लिए अलग से आप छोड़ सकती हैं, ठीक है। 2.5 इंच अलग से ऊपर छोड़ सकती हैं, ठीक है, ताकि हमारा इक्वल रहे। कभी कभार हो जाता है कि थोड़ी कमी बेशी हो जाती है, तो फिर उसके लिए वैसे तो इसके 5 हिस्से कर दिए जाएं तो वो आसानी से बन जाता है, हर एज के लिए बन जाता है। अब इसके मैंने 5 इक्वल हिस्से कर लिए हैं, ठीक है। मैंने पहले को छोड़ दिया है और ये दूसरा जो है इसके ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। मैं 15 लिया, ठीक है, 15 लिया और इस निशान को मैंने पहले इससे मिला दिया। ऐसे करके जब मैं इसको ऐसे कटिंग करूँगी तो मैं ऐसे करते हुए इसको कटिंग करूँगी, ठीक है। ये मैंने इस निशान को इससे मिला दिया और ये मैं कटिंग के लिए भी रख लेती हूँ, ठीक है। इधर से ये निशान मैं जो है ये कटिंग के लिए रख लेती हूँ। ऐसे आपने इसको तिरछा करके ले जाना है, ठीक हो गया। आप जो है आप इधर से आपने अपने नाप लेना है कि आपकी जो ट्राउजर है
वो कितनी है, ठीक है, आपकी जितनी होगी, ठीक है, फिटिंग में आपकी जितना इधर से आ रहा होगा, ठीक है, वहां पे आपने इसका निशान लगा लेना है, ठीक है, मैं 13 पे लगा लेती हूँ, ठीक है, और इस निशान को आपने इसके साथ मिला देना है, ठीक है। ये मैंने गुलाई करते हुए इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ मिला लिया। अब आपने इस निशान से भी देख लेना है कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है, आपने उसके साथ मिला देना है, ठीक है, इसके साथ, अगर इसके साथ मेरा है 13 तो यहाँ से मैं 10.5 ले लेती हूँ, ठीक है, 10.5 लेते हुए मैंने इसको इसके साथ स्ट्रेट मिला दिया। अब आपने पांचा लेना है तो पांचे के लिए मैं लूंगी, आप 6 ले सकती, 7 ले सकती, इसके लिए मैं 8 ले लेती हूँ, ठीक है, 8 को मैंने इसके साथ ऐसे करके ऐसे मिला दिया। ठीक हो गया। अब आपने जो है यहां से साइड से आपने 1.5 रखते हुए कटिंग कर लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, ये देखें, जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको साइड से इसका पांच जो है वो मैं थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि ये ट्राउज़र जो है ये डिज़ाइनिंग ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा मुझे। बाय, बेस्ट ऑफ लक।